हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई मुरादाबाद। मैं आज आप लोगों को कोपा ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट, वो सीक्वेंस कौन सा है जिस पर कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इनायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, कंप्यूटर किस टाइप की डिवाइस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज कंसाइडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, किसे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली जनरेशन कंप्यूटर का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन 7, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट, कैसे पैरेलल पोर्ट एक बाइट को ट्रांसफर करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 8 bits at a time. Question number 8 है, which is an internal power supply unit of CPU? CPU का internal power supply कौन सा है? इसका correct option है option C, SMPS. Question 9, what is the purpose of expansion slot in motherboard? Motherboard में expansion slot का purpose क्या है? तो इसका correct option है option D, to insert the additional peripherals. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का पर्पस क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टोर्स डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन DIMM, DIMM में कितने पिंस होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 168 पिंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन SIMMS, SIMMS में कितने पिन हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 32 to 72 पिंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS, OS का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विंडोज। क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर, एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट की तरह कौन एक्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS, OS का फंक्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड्स इन विंडो, विंडो में मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, .cpl। क्वेश्चन नंबर 19, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। क्वेश्चन नंबर 20, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, F5। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्शन इन विंडोज एक्सप्लोर, विंडोज एक्सप्लोर में फाइल और डायरेक्शंस का ऑर्डर क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हायरार्किकली। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डज द पिंड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज OS, विंडोज OS में पिंड एप्लीकेशन कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टास्क बार। Thank you for watching.